आज हमारे वो सूरत वाले सोमानी जी आए थे, तो वो कह रहे थे गुरुजी एक हमारी पास वाली में कोई पड़ोस में रहती है और वो बहुत साधारण है, बहुत साधारण, बहुत दुखी है, शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखी वही है। उसने शिव जी का नाम लेकर अपने बच्चों को पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए थोड़ा बहुत मठरी और ये चकली और नमकीन का काम चालू करा, उसने ये भेजा है गुरुदेव। पर गुरुजी सोमाणी जी कह रहे थे सूरत वाले कि इतना दुख था, पहले रोती थी। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद उसने एक संकल्प ले लिया शंकर जी के मंदिर में कि आज के बाद किसी के सामने नहीं रोऊंगी, रोऊंगी तो मेरे महादेव के पास में जाकर रोऊंगी। अब जब भी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए या कोई रिश्तेदार मिलने के लिए आता है तो इतनी हंसती है, प्रसन्न होती है, खुश होती है, इतनी प्रसन्न कि रिश्तेदार सोचते हैं कि इसकी जिंदगी में इतना दुख है और इसके बाद इतनी खुश कैसे रह लेती है। बाबा आप कहते हो ना कि शंकर जी के सामने खुश होकर जाना, भले जिंदगी में कितना भी दुख हो, एक ना एक दिन बाबा आशीर्वाद दे ही देता है कि तू ऐसी खुश हमेशा, ऐसी प्रसन्न हमेशा, प्रसन्न होकर जाए, प्रसन्न। आप दुखी क्यों हो? ये इतने लोग लाखों की संख्या में बैठे हो, आप लोग इतने लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आप कल सरकारी आंकड़े के हिसाब से 4 से 5 लाख लोग कल की कथा में, पहले दिन की कथा में पहुंचे थे, 5 लाख लोग कल की कथा में पहुंचे थे, और आज उससे ज्यादा यहाँ पहुंचे हो आप। जरा अंदाजा लगाइएगा